नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूँ हिमागनी मोजा। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ इजराइल हमस की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। जी हाँ दर्शकों, जो इजराइल और हमस के बीच में युद्ध अभी है उसको 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। दोनों तरफ से काफी तबाही मच चुकी है, दोनों ओर से काफी जान और माल का नुकसान हो चुका है। बात करें गाजा की तो गाजा में अभी तक 7,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसके साथ साथ जो है गाजा में अभी भी भारी तबाही जो है मच रही है और उसके साथ साथ अभी भी गोलीबारी जारी है। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो संयुक्त राष्ट्र ने इसी स्थिति पे चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ऐसे ही गाजा पर घेराबंदी बनाए रखी तो वहां पे और भी लोगों के मारे जाने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पे भी चिंता जताई है कि इजरायली सेना की घेराबंदी के कारण वहां पे बहुत ही दयनीय हालात हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने वहां पे ईंधन, पानी, भोजन जैसी बेसिक सुविधाएं की आपूर्ति पे रोक लगा दी है। क्योंकि इजरायली सेना का अभी सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हमस के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के निस्तनाबूद करना। और आपको बता दें अभी तक इजरायली सेना ने 250 से भी ज्यादा हमस के ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया है। इजरायली सेना ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके लड़ाकू विमानों ने अभी तक 3 आतंकवादी बचे थे उनको भी मार गिराया है। ये जो आतंकवादी थे ये हमस के बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर्स थे जो अब मारे जा चुके हैं। वहीं फिर से बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक स्पेशल सत्र जो है वो जारी है और उसमें इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। जॉर्डन के राजदूत ने इस सभा में भाग लेते हुए कहा कि यहाँ पे हम सभी देशों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है और वो क्या है, वो ये है कि किसी तरह इस युद्ध पे विराम लगाया जाए। उन्होंने इस बात पे आगे भी कहा कि ये जो हम सब देश हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि कैसे इस युद्ध को विराम लगाया जाए और कैसे इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।